बेसिकली मैं डेली व्लॉग्स नहीं बनाता, लेकिन आज कुछ ऐसा मोमेंट आ गया कि मुझे ये वीडियो शूट करना पड़ा। तो आज वो मोमेंट ये है कि आज मेरा दोस्त सऊदी अरबिया से वापस आया है 7 सालों के बाद, और उसके बारे में मैंने कभी जिक्र नहीं किया अपने ब्लॉग में, अपने वीडियोस में। और जब वो गया उससे पहले, तो तभी मैं सोशल मीडिया में इतना एक्टिव भी नहीं था, ना इंस्टा ना यूट्यूब, तो इसलिए उसका जिक्र नहीं हो पाया। और मेरे साथ ही मैं बहुत कोशिश किया मैं उसको बुलाने को, नहीं आ पाया किसी रीज़न की वजह से, इट डजेंट मैटर। लेकिन वो आज अचानक से आया बिना किसी को बताए, एज अ सरप्राइज। तो पता चला मेरे को किसी के थ्रू कि आया है, तो मैंने कॉल किया, बोले भाई अचानक से कैसे? बोला भाई आना आ गया ऐसे ही। बोला चलो ठीक है आता हूँ। तो बस उससे मिलने जाना है, ये चलते। मेरा बचपन का दोस्त है, लंगोटिया यार है कह सकते हैं। साथ में हम लोग ने चट्टी बट्टी वाला जो भी सीन होता है वो सब किया है, तो उसी से मिलते हैं। चलिए तो आगे हैं छोटे घर से, चलते देखते हैं। अरे भाई अस्सलाम वालेकुम भैया, कैसे है? और मेरी जान दे टूटे है। अरे भैया ठीक है, बढ़िया। बड़े दिन के बाद यार भाई, यार अचानक सरप्राइज दे दिए। अचानक से यार ये सब बढ़िया। तो ये है अपना यार लंगोटिया वाला, चड्डी बड्डी वाला, जो कि 7 सालों के बाद पहली बार इंडिया विजिट किया है। 7 सालों के बाद मेरे शादी के 20 दिन बाद शिरकत किए हैं इंडिया में अपने घर पे, तो बहुत खुशी हुई मिलके इससे। ठीक है, फिर थोड़ा गपशप करेंगे, उसके बाद मिलेंगे आपको थोड़ी देर में कहीं अगर गए तो। तो आज हम आए हैं अपने कॉलेज पे, तो एक थोड़ा सा काम था, फॉर्म सबमिट करना था, हो गया। छोटे भाई भी आए अपने साथ, तो जाए बैठे हुए हैं, थोड़ा घुमा फिरा दें। तो और देखिए हम लोग कहाँ हैं, एकदम शुद्ध स्वदेशी जगह पे आए हैं, देसी से भी देसी जगह। दिखा दो भाई घुमा के कैमरा। I live inside my own world of make-believe. Kids screaming in the cradles, profanities. I see the world through ice covered in ink and bleach. यही था स्टोरी हमारे खास मित्र का, जो कुछ महीनों का मेहमान है और फिर चला जाएगा, फिर पता नहीं कब आएगा। 7.5 सालों के बाद मुलाकात हुई है, तो मैं बोला एक वीडियो इसके साथ। या दैट्स इट, आई होप यू लाइक इट विद आवर बॉन्डिंग, दैट्स इट। तो आज मेन रीज़न पता चला मेरे भाई का, ये सऊदी अरबिया से क्यों आए हैं। एक्चुअली एक दोस्त की एंगेजमेंट थी, उसी पर्पज़ से इनका विजिट हुआ है इंडिया में। और वो आज दिन है जिस दिन हमारे दोस्त, इनके दोस्त की एंगेजमेंट है। वो अभी दूल्हा आ रहे गाड़ी में, तो उनसे भी इंट्रोड्यूस कराएंगे। ये मेन रीज़न इनका आने का, ठीक है ना।